ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर सादर नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दवा कंपनियों का चुनावी बांड के साथ रिश्ता। अभी हाल ही में चुनावी बांड को लेकर जो सूचनाएं उजागर हुई हैं, जो जानकारी आई है, उसमें 35 दवा कंपनियों ने 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के चुनावी बांड खरीद के और राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिए हैं। इसमें से अधिकांश जो चुनावी बॉन्ड है वो एक पार्टी विशेष को दिए गए हैं और यह सारा चंदा 2020-21 से लेके और 2022-23 तक दिया गया है। यह वो काल था जब कोरोना की बीमारी से, महामारी से भारत लड़ रहा था। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भारत में दवा कंपनियों के ऊपर जो नियंत्रण होता है वो केंद्रीय मंत्री जो होते हैं स्वास्थ्य के, वो इन पर सारी दवा कंपनियों पर नियंत्रण करते हैं लाइसेंस देने से लेकर, और यदि उनके यहाँ कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय की ही होती है। गुजरात के मंत्री मनसुख मांडविया साहब इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे जिस समय पर दवा कंपनियों ने ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी बांड खरीदे और चुनावी चंदा दिया। अब ये चुनावी चंदा दवाई कंपनियों ने इतने बड़े पैमाने में क्यों दिया, इसको लेकर जैसे जैसे ये जानकारी बाहर आ रही है यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दवा मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पैसा है और दवा कंपनियां हर साल हजारों करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में देती आई हैं, क्योंकि जब भी इनकी दवाओं की मंजूरी होती है और इनकी कीमतें तय होती हैं उसके बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ही निर्णय करता है, और जेनरिक दवाइयां कब आएंगी, कब नहीं आएंगी, कौन सी दवाई की कौन से रेट होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होगी, इस सब पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। अब यहाँ पर जब चुनावी चंदे का जो राजनीतिकरण हुआ कि चंदा जो है अब बांड के जरिए दिया जाएगा और बांड को गोपनीय रखा गया था कि बांड की जानकारी कभी आएगी नहीं, तो बड़े निस्फिक्र होके सब लोगों से एक हिसाब से जो रकम होती थी वो चुनावी बांड के रूप में लेने का जो सिलसिला 2019-20 से शुरू हुआ, और ये कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दवा कंपनियों ने चुनावी बांड खरीद कर चंदा दिया है। अब 35 वो कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का से ज़्यादा का चंदा दिया, और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा दिया। कोरोना काल में रेडिसिविर इंजेक्शन को लेकर एक ये धारणा बनाई गई थी कि इसको लगाने के बाद कोरोना से ग्रस्त मरीज की जान बचाई जा सकती है, जबकि इस मामले में WHO ने 2021 में ही कह दिया था कि यह दवा कोई काम नहीं करती है और कोरोना के मरीजों को ये इंजेक्शन ना लगाया जाए। उसके बाद भारत सरकार को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, जो रेडिसिविर का इंजेक्शन यहाँ बन रहा था वो अन्य देशों में भी निर्यात किया जा रहा था, लेकिन WHO के कारण निर्यात को तो सरकार ने रोक दिया, लेकिन बड़े पैमाने पर महामारी के दोनों काल में रेडिसिविर के इंजेक्शन भारतीय मरीजों को लगाए गए और उनमें से हजारों मरीजों की जान भी चली गई। इन्हीं दवा कंपनियों ने सबसे ज़्यादा चंदा चुनावी बांड के रूप में दिया है, तो इनका क्या लिंक है? सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिन दवा कंपनियों की दवाएं जांच में अमानक पाई गई, महाराष्ट्र फूड एंड रेगुलेशन जो विभाग है, जब दवाओं की जांच हुई और जो जो दवाएं अमानक पाई गई उन्हीं कंपनियों ने चुनावी बांड खरीदे और उन कंपनियों के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, तो अब ये माना जा रहा है कि एक चुनावी बांड के जरिए एक रैकेट भी चल रहा था कि यदि कंपनियाँ कोई गलतियाँ कर रही थी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई ना होके चुनावी चंदा लेकर उन्हें एक तरह से छोड़ दिया गया और उन्हें व्यापार वैसी करने की अनुमति
दी गई। जो जानकारी आती है उसमें ग्लेनमार्क, सिप्ला, टोरंटो फार्मा, जायडस हेल्थ केयर जैसी दवा कंपनियों ने बड़े पैमाने पर चुनावी बॉन्ड से चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। अब ये राजनीतिक दल कौन है? जब बॉन्ड के यूनिक नंबर सामने आ जाएंगे तो उससे ये भी खुलासा हो जाएगा कि ये चंदा किस पार्टी को मिला है। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये किस राजनीतिक दल को चंदा मिला है, लेकिन ये तो तय हो गया कि जिन जिन कंपनियों की दवाएं या तो अमानक पाई गई या कोरोना काल के द्वारा जो एडवाइजरी जारी करी गई, जैसे भारत में रेमडेसिविर के इंजेक्शन को ये माना गया था कि ये गंभीर मरीजों को जीवन रक्षक के रूप में लगाया जा सकता है। इस इंजेक्शन का 4,000-3,000 का जो इंजेक्शन होता था वो 12,000 से 15,000 रुपए तक में ब्लैक में बिका, लाखों इंजेक्शन बिक गए, और ये नकली भी थे और अमानक भी थे, और इनके लगने से जो परिवर्तन उसमें हुए तो उसमें कई मरीजों की जान चली गई, क्योंकि वो बॉडी उसको उस इंजेक्शन को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थी, और उनको लगा दी गई और कुछ घंटे के अंदर ही मरीज की मौत हो गई रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद। ऐसी कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है चुनावी बांड के जरिए, तो इससे शंका और भी गहरा रही है कि भाई ऐसा क्या नेक्सस था कि जिसके कारण दवा कंपनियां चुनावी बांड खरीद खरीद कर और चंदा दे रही थी। ग्लेनमार्क कंपनी को महाराष्ट्र की ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशन ने जब उसके सैंपल की जांच की तो उसके बहुत सारी दवाइयां, खासतौर से टेलीमा करके एक जो दवाई है वो अमानक पाई गई थी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसने 9,75,00,000 रुपए के चुनावी बांड नवंबर 2022 में खरीदे, और उसके बाद कंपनी निर्बाध रूप से चलती रही। उसके ऊपर कोई कार्रवाई किए जाने के ऐसे प्रमाण नहीं है कि जब वो इतनी बड़ी पैमाने पर दवाइयां बेच रही थी और वो दवाइयां नकली या अमानक थी, गुणवत्तापूर्ण नहीं थी, तो उस पर कोई कठोर कार्रवाई केंद्र सरकार ने क्यों नहीं की। इसी तरीके से सिप्ला ने 14,00,000,000 रुपए के चुनावी बांड खरीदे। सिप्ला कंपनी भी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन इसकी दवाइयां भी जब जांच की गई तो लेबोरेटरी में ये अमानक पाई गई और इसको भी कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था। इसी तरीके से टोरंटो फार्मा की ने 2019 से 2024 के बीच में चुनावी बांड के रूप में 207,00,000,000 रुपए के बांड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दिया। अब ये क्यों दिया? टोरंटो फार्मा ऐसी क्या बना रही थी चीजें जिसको दवाइयां बना रही थी जिसके कारण इसे इतने बड़े पैमाने पर चंदा देना पड़ा? इसने 207,00,000,000 रुपए का चंदा दिया है, ये अपने आप में सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। इसकी 150 से ज्यादा दवाइयां अमानक पाई गई थी। अब इतने बड़े पैमाने पर जो कंपनी अमानक दवाई बना रही हो, बेच रही हो, उसको तो तुरंत जेल भेजना चाहिए था, लेकिन जेल ना भेजकर चुनावी चंदा लेकर यदि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है तो कहीं ना कहीं ये तार जुड़ रहे हैं कि चुनावी बांड के जरिए एक नया नेक्सस तैयार हो गया था सरकार के और इन दवा कंपनियों के बीच में, जो चुनावी बांड के कारण अब उजागर होता हुआ दिख रहा है। पहले चंदा होता था ब्लैक मनी के रूप में, वो कभी प्रकाश में नहीं आता था, वो कोई सबूत नहीं होते थे, लेकिन चुनावी बांड की सबसे बड़ी बात यह हो गई कि अब ये सब सबूत के तौर पर और सारी लिंक बन रही है कि किसने कब दिया, क्यों दिया, उसे शासन ने कोई फायदा दिया नहीं दिया, ठेका दिया नहीं दिया, ये सब अब धीरे धीरे लिंक हो रहा है। ये भारत में पहली बार हुआ है कि चुनावी बांड के जरिए, शायद सत्तारूढ़ दल ने ये सोचा होगा कि हम मन मर्जी से चंदा ले सकेंगे,
डबल इंजन की सरकारें होंगी और हमारा एक छत्र राज होगा और अन्य राजनीतिक दलों को हम खत्म कर देंगे, विपक्ष को खत्म कर देंगे। ये भी इस चुनावी बांड की सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है कि ये सोच के बनाया हो कि इसकी जानकारी कभी आएगी नहीं, लेकिन चुनावी बांड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसके बाद स्टेट बैंक को सारी जानकारी उजागर करनी पड़ी, तो ये शायद किसी ने सोचा नहीं था जो हो गया, जिसके कारण इतना बड़ा रैकेट सरकारों के और दवा कंपनियों के बीच में किस तरीके से कामकाज होता है, यह पहली बार सब प्रमाण उजागर होने की स्थिति बन गई है। इसी तरीके से जॉयस हेल्थ केयर ने 22-23 में 29 करोड़ रुपए के बांड खरीद के दिए थे, ये भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन बनाती थी। WHO के लगातार बार बार चेतावनी देने के बाद भी भारत में ये इंजेक्शन प्रतिबंधित नहीं हुआ, बल्कि मरीज के परिजन इस इंजेक्शन को ब्लैक में खरीदने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार होते थे और ये 12-15 हज़ार से लेकर 25-30 हज़ार रुपये तक में बिका और इसके नकली इंजेक्शन भी बिके। अब नकली इंजेक्शन इन्हीं कंपनियों के अमानत थे या और इनके नाम पर किसी ने बेचे पता नहीं, लेकिन सरकार ने कभी इसकी जांच नहीं की। कोरोना की बीमारी में हजारों नहीं लाखों मरीज मरे, उनमें कितनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा, इसकी भी जांच आज तक भारत सरकार ने नहीं की। क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन के कारण मरीजों की मौत हुई है, ये भी कारण का पता आज तक नहीं लगा। लेकिन ये जो चुनावी बांड का जो खुलासा हुआ है, पहली बार ये सामने आ रहा है कि ये इतना बड़ा रैकेट है कि इसने हजारों लोगों की जान भी ले ली, लेकिन चुनावी चंदा देकर इन्होंने, इन कंपनियों ने अपने आप को बचा लिया। भारतीय दवा कंपनियों की कई दवाएं विदेश में जाके फेल हुई, अमेरिकी प्रशासन ने भी उसको अपने यहाँ रोक दिया। अफ्रीका में कफ सिरप इतना अमानक था कि वहां बच्चों की मौत हो गई। दवा कंपनियां, जो भारतीय दवा कंपनियां बड़ी तेजी के साथ दवा निर्यात क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, उसमें बहुत बड़ा झटका और धक्का भी लगा है, लेकिन इसके बाद भी चुनावी चंदे का जो खेल था वो खेल इतना बढ़ चुका था कि उसके आगे सारी बातें बिल्कुल बेमानी हो गई और हजारों करोड़ का चंदा दवा कंपनियों द्वारा देना, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं उजागर करता है कि जीवन रक्षक दवाओं के खेल में कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत से ये दवा कंपनियां बीमारों को लूटने का काम करती हैं, क्योंकि बीमार व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने आप को स्वस्थ करना चाहता है तो वो दवा कंपनियों की जो मोनोपोली होती है या डॉक्टरों की जो भी स्थितियां बनती हैं, ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर और दवा कंपनियों के बीच में भी एक अघोषित रिश्ता होता है और वो डॉक्टरों के माध्यम से ये दवाओं को बेचने का काम करते हैं और इसमें, इस नेक्सस में मरीजों को किस तरह लूटा जाता है, ये इस चुनावी बांड ने उजागर किया है। खैर, अभी तो ये शुरुआती दौर है, जब सारी जानकारियाँ सामने आएंगी तो ये जानकारी आने के बाद बाकी सब जगह तो ठीक माना जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ जीवन और मृत्यु का के बीच में ये दवा इंजेक्शन यही काम आते हैं, और यदि इनमें भी सुचिता नहीं रहेगी, नैतिकता नहीं रहेगी, दवा कंपनियों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी और वो कैसे भी पैसे कमाने के लिए अपराध करेंगे और उन्हें से चुनावी चंदा लेकर उन्हें खुला छोड़ दिया जाएगा, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति कोई हो नहीं सकती है। धन्य हो चुनावी बांड की जो गोपनीयता बनाई गई थी, ब्लैक मनी को लेने का जो व्हाइट तरीका बनाया गया था, उस व्हाइट तरीके ने सारे ब्लैक के गोरे धंधे जो हैं, काले धंधे, वो धीरे धीरे उजागर करना शुरू कर दिए हैं। निश्चित रूप से जनता जब इसे देखेगी, समझेगी, तो उसके साथ कैसा होता है, कैसी सरकारें करती, कैसे राजनीतिक दल करते हैं, इसको भी जानने का एक अवसर मिलेगा। आज चुनावी बांड को लेकर जो सहज रूप से बात हो रही थी कि चुनावी चंदे के तक सीमित है, लेकिन ये चुनावी चंदे तक सीमित नहीं है,
ये सरकारों को क्यों चंदा मिलता है, जो सरकार के राजनीतिक दल हैं, जो जिनकी सरकारें हैं, तो उनको ही सबसे ज़्यादा चंदा क्यों देता है मिलता है, और ये चंदा देके उन्हें सरकारों से क्या फ़ायदा मिलता है, ये पहली बार अब सप्रमाण उजागर होने जा रहा है। और जो होता है कहा जाता अच्छे के लिए होता है, यदि चुनावी बॉन्ड की 2018 से अभी तक की जानकारी एकत्रित नहीं होती तो इन चीज़ों का समझ पाना भी बड़ा मुश्किल होता, लेकिन अब ये रैकेट धीरे धीरे खुल गया है, आशा है कि आगे चल के कुछ अच्छा होगा। नमस्कार।